नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, एक अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं वसई विरार महानगर पालिका चुनाव से संबंधित। वसई विरार महानगर पालिका चुनाव के आरक्षण जाहिर करने की प्रक्रिया आज 31 मई को संपन्न हुई। हम सभी जानते हैं कि वसई विरार महानगर पालिका और पूरे महाराष्ट्र की अलग अलग निकायों के चुनाव होने हैं आगामी कुछ महीनों में। इसी कड़ी में आज वसई विरार महानगर पालिका के प्रभाग वाइज आरक्षण निकाला गया। आपको आरक्षण की जानकारी दूं, उससे पहले ये बता दूं कि 42 वार्ड वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत है, जिसमें एक वार्ड में ए बी सी ऐसे तीन नगर सेवक नगर सेविका को पैनल होते हुए 126 नगर सेवक नगर सेविका की सीट आने वाले चुनाव में रहेगी। इन 126 नगर सेवक नगर सेविकाओं में से 11 सीटें वो एससी एसटी के लिए आरक्षित है, बाकी बचे 115 सीट उस पर जो सरकारी नियम है निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% भागीदारी मिलने का, उस हिसाब से 57 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो कुल मिलाकर 63 सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेगी और बाकी की 63 सीटों पर पुरुष, जिसमें एससी एसटी शामिल है। महिलाओं की 63 सीटों में भी महिलाओं के एससी एसटी शामिल है। जो 11 सीटें एससी एसटी की है उसमें एससी की 5 और एसटी की 6 सीटें हैं कुल, जिसमें से 50% के हिसाब से 3-3 सीटें महिलाओं के खाते में जा रही है। आज जो कार्यक्रम वसई विरार महानगर पालिका निवडणूक विभाग ने लिया, वो कार्यक्रम पद्मश्री भाऊसाहेब वर्तक हॉल में लिया गया। इस कार्यक्रम में पालघर जिले से निवडणूक अधिकारी, वसई विरार महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी और निवडणूक अधिकारी मौजूद थे और राजनीतिक पार्टियों से कई लोग शामिल थे, पत्रकार शामिल थे। इस कार्यक्रम अंतर्गत जो आरक्षण जाहिर हुआ उसकी स्थिति ऐसी है कि जैसा मैंने अभी बताया, एक वार्ड में तीन प्रभाग होंगे, तीन अलग अलग पैनल, तीन लोगों का पैनल होगा ए बी और सी। तो अनुसूचित जाति महिला 11 अ में उनको आरक्षण मिला है, उसके अलावा 20 अ और 28 ब, इन तीन प्रभाग में अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षण है। उसके अलावा अनुसूचित जमाती एसटी की महिलाओं को 1 अ, 36 अ और 42 अ, इन तीनों में आरक्षण छूटा है। उसके अलावा 41 जगह पर राज्य निवडणूक आयोग ने डायरेक्ट सीधे तौर पर आरक्षण जाहिर किया हुआ है। उन 41 जगहों को छोड़कर बाकी के 16 प्रभाग जहां आरक्षण छूटना बाकी था उसमें इस प्रकार परिस्थिति है। 4 ब, 5 ब, 6 ब, 10 ब, 12 ब, 15 ब, 16 ब, 18 ब, 21 ब, 22 ब, 23 ब, 24 ब, 25 ब, 31 ब, 35 ब और 38 ब, इन विभाग इन प्रभागों में महिलाओं के लिए आज आरक्षण की आरक्षण जाहिर हुआ। उसके अलावा ये जो चुनाव रहेगा वो चुनाव इस तरह से रहेगा, जैसा मैं अभी बता चुका हूँ कि पैनल सिस्टम रहेगा। तो 42 वार्ड कुल है, एक वार्ड में तीन जने रहेंगे, तीन नगर सेवक नगर सेविका रहेंगे, वो पैनल ए बी सी अ ब और क रहेगा। उसमें ऐसी परिस्थिति है, लगभग 21 वार्ड ऐसे होंगे जिसमें 2 महिला एक पुरुष और 21 वार्ड में 2 पुरुष एक महिला के होने के आसार है। इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करें तो जैसे वार्ड एक की बात किया जाए तो वार्ड एक में आरक्षण की परिस्थिति अनुसूचित जमाती महिला 1 अ, 1 ब सर्वसाधारण महिला जनरल लेडीज और 1 क जनरल ओपन। वैसा ही प्रभाग 2 में 2 अ जनरल लेडीज, 2 ब जनरल, 2 क स, 2 सी, 2 क वो भी जनरल। वार्ड 3 में 3 ए अनुसूचित जमाती एससी, 3 बी जनरल लेडीज और 3 सी जनरल। इस तरह से पूरे 42 वार्ड की जो परिस्थिति वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी।
और यह कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम अंतर्गत जो महानुभाव शामिल हुए थे उनका भी आप फुटेज में देख सकते हैं। और इस कार्यक्रम में इस कार्य जाहिर जो ये आरक्षण जाहिर हुआ है इसके ऊपर अगर किसी को आक्षेप है तो उसको आगामी 1 जून से 6 जून तक वसई विरार महानगर पालिका के कार्यालय में लिखित निवेदन देना होगा। 6 दिन तक का ये समय है, उसके बाद में उस पर जो भी है निर्णय लिया जाएगा और अगर वो मान्य है नहीं मान्य निवडणूक विभाग उस पर अपना अंतिम निर्णय देगा और उसके बाद अंतिम प्रकाशन इस लिस्ट का होगा। इस देखिए आगे वीडियो में और इससे आगे वीडियो में आप सुनिए निवडणूक विभाग के जो प्रमुख है राजेंद्र लाड़, उन्होंने क्या कुछ कहा आज के इस निवडणूक विभाग को पत्रकारों ने जो सवाल किए उसके। तो ये हम आपको बता रहे थे अहम अपडेट वसई विरार महानगर पालिका चुनाव को लेकर। इससे आगे भी हम वसई विरार महानगर पालिका चुनाव की अपडेट लगातार आपके साथ में बनाए रखेंगे। जरूर आप हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह आगे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आज जो आरक्षण छोड़ा हुआ है वो राज्य निवडणूक आयोग इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया था कि महिला रिजर्वेशन उसमें एससी रिजर्वेशन एसटी रिजर्वेशन एंड जनरल रिजर्वेशन उसका लॉट्स जो है वो स्कूल के जो स्टूडेंट है उनको हाथों से निकाल के और आम पब्लिक के सामने वो आरक्षण डिक्लेयर किया है। ये आरक्षण का जो प्रक्रिया हुआ है, आरक्षण का जो कार्यक्रम हुआ है वो यशस्वी हुआ है। उसमें अगर किसको कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ सूचना है तो उन्होंने 1 तारीख से लेकर 6 जून तक ऑफिस में आके राइटिंग में सबमिट करना है। कुल मिला के 126 सीट है, उसमें 50% 63 जो सीट है वो महिला के लिए रिजर्व है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।